नमस्ते दोस्तों, उत्सव विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आए हैं खेत में, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से खेत दिखाएंगे और सब्जी भी लेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। और मंजू दोस्तों, दीदी ने फोन कमेंट किया हुआ है कि दीदी मथुरा आइए, मथुरा कई बार ने उन्होंने बुलाया हुआ है, तो दीदी इतना समय नहीं मिलता, अगर कभी भगवान चाहेंगे तो आएंगे। तो चलिए हम आप तो यही लौकी का खेत है और किसान लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो लौकी लेने आए दोस्तों सुबह सुबह, भैया और दो भैया थे, देखिए तोड़ तोड़ कर रख रहे थे, तो हमने कहा कि चलिए हम आप तोड़ेंगे, और गए हैं और साफ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा है, तो अच्छी रेसिपी बनेगी और बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए, एक तसला इधर रखे हैं, इधर भी रखे हैं और इधर रखे हैं, सभी साइज के होगा, सब छोटा बड़ा है। तो यहाँ पे आप दोस्तों, आप लोग दिखाने के लिए हम रखे हुए थे, तो ये जहाँ भैया धो रहे हैं वहाँ रखते हैं। उतना धो चुके भैया? यहाँ पे छोटी सी मड़ाई रखा रहता है दोस्तों, नहीं तो रात में बैठे बड़ी मेहनत करता करना पड़ता है, क्योंकि उनको दिन जालो मसाला रख। पहले लाए हुए थे, देखिए एक बहुत अच्छे धो गए हैं, बहुत ही अच्छे से, नहीं देखिए एक बाल्टी पानी में इतना ढेर सारा धोए हैं, अभी इतने पानी में क्या और धो लेंगे। यही तसला खाली करके उसके बाद लेकर चलेंगे, देखिए बहुत लहा लहा कर तसला रखा पड़ता है, क्योंकि नाखून वाखून लग जाता है ना, तो यहाँ काला पड़ने लगता है। काफ़ी दोस्तों टूट चुका है और काफ़ी भी बचा हुआ है, चलिए हम तोड़ेंगे अब। तो लौकी का फूल आप लोग देख सकते हैं, देखिए सफ़ेद सफ़ेद रहता है, और ये देखिए ऐसा ज़्यादा रहता है दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम है खेत में खिला हुआ। यहाँ पे ढेर सारा है तो हम बैठेंगे, देखिए इस तरीके से हमने तोड़ लिया, इस तरीके से नहीं तोड़ा जाता है, और भैया बता रहे हैं कि काटा जाता है इस तरह से, इतने बड़े बड़े हैं। तो ये देखिए तीन चार तो एक ही जगह पे है, तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया, तो कभी इसे हम काटेंगे, आप लोग पास से देखेंगे। तो चक्कू से हम जल्दी जल्दी काटेंगे, देखिए थोड़ा सा इसे दूरी बना कर काटा जाता है। तो लौकी में हल्का सा रोवा रोवा रहता है, पर एक खजुलाहट बिल्कुल नहीं करता है और बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए इसे भी काट लेते हैं, चक्कू बहुत ही चौक है, और ये भी आज आ जाए। तो अब हम घूम घूम कर काटेंगे और आप लोग को खेत भी दिखाएंगे। नीचे सरपत बिछा गया है दोस्तों, जैसे कि और सड़े ना, क्योंकि पानी ज़्यादा समय तक रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। एक एक तोड़ कर हम रखते जाएंगे। यहाँ पर ये छोटे छोटे जो है ढेर सारा है, तो नीचे ढेर सारा घास रखा गया है, यहाँ आप लोग पास से देखिए, छोटे छोटे जो है ढेर सारे हैं और बड़े। तो लौकी दोस्तों ढेर सारा फरेगा, अभी ये देखिए छोटे छोटे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही आराम से दोस्तों इसको डोला जाता है, खेलने से ये सब ख़राब ना हो, और ये देखिए इतना बड़ा है, दो तीन दिन में तैयार हो जाएगा, और ये देखिए हल्का सा तैयार होना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई भी दोस्तों सब्जी बोए और अच्छे से तैयार होता है, तो चलिए इसे हम तोड़ लेते हैं। अब सुबह सुबह दोस्तों वही सब्जी मंडी लेकर जाते हैं, पूरा एक जगह पर लेकर आते हैं, और देखिए तीन चार लोग मिल कर मेहनत कर कर भेज रहे हैं, इतना ढेर सारा एक में बांध रहे, देखिए कैसे लेकर जाते हैं। ये हम देखिए चार थे ले लिया है, बहुत ही अच्छी अच्छी, और चलिए अभी पैसा वैसा देकर उसके बाद चलेंगे घर। तो हम पहुँच चुके हैं अपने चूल्हे के पास, चूल्हे पास हम साफ सफाई करेंगे। तो ये तड़का पर दोस्तों खरौजा बनाते हैं, बहुत ही हल्का रहता है, बटोरने में बहुत अच्छे
डिग्गी में डालकर लाए हुए थे, देखिए हल्का हल्का चोट लग गया और तुरंत तुरंत एक ही घंटा में देखिए काला हो गया है। तो मुलायम रहता है तो बहुत जल्दी सूखने। तो सारे हम लौकी के धो लिए हैं। तो लौकी के हम छिलने से छील लेते हैं, इसके छिलके बहुत ही मुलायम है तो बहुत ही आराम से छिलका निकल रहा है। तो छिलका हमने उतार लिया, अब इसमें रखेंगे। तो राम जी शास्त्री ने दोस्तों कमेंट किया कि बहन बहुत ही अच्छा नेनुआ का चोखा और बाटा बाटी आप लोग बनाया हुआ है, तो थैंक यू भैया। तो यहाँ चूल्हे के पास दोस्तों यहाँ पे खाना बनाते हैं तो दिन भर बहुत ही अच्छे से छांव रहता है, तो बड़ा अच्छा मन लगता है हमारा। तो इसे भी हमने छीन लिया हुआ है, ये देखिए लास्ट बचा है। तो अंदर से दोस्तों ये ऊपर से हल्का सा दाग पड़ा हुआ है, अंदर से बहुत ही साफ रहे हैं क्योंकि सड़ा तो है नहीं। तो छीलने से बहुत ही अच्छे से छिलका इसका उतरता है। एक बार हमने और धो लिया है अच्छे से, थोड़ा सा इसमें छटकान जैसा हो जाता है। तो लौकी को हम छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे, देखिए दोनों तरफ से। अभी बीज नहीं पड़ा हुआ है तो काफ़ी मुलायम है। तो सारे जो है कद्दू में बिया नहीं थे, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे काट देते हैं तो बहुत ही छोटा छोटा जो है कटता है, ये देखिए अच्छा लग रहा है। छोटा छोटा अगर काटेंगे तो पकेगा बहुत जल्दी। कढ़ाई में भगोने में हमने ले को लगा लिया है, अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे। तो आग को हमने जला दिया है, अब इस पर हम रख देते हैं भगोना और लौकी को हम उबालेंगे तो इसमें हम डाल देते हैं। तो लौकी में उबलने के लिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं पानी, लौकी तो पानी छोड़ेगा पर थोड़ा सा डाल देते हैं, अच्छे से गलेगा और इसे हम ढक देंगे। तो आज को हमने तेज कर दिया हुआ है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि गला स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो देखिए गला स्टार्ट हो गया है, इसे थोड़ा सा चला देते हैं, जल्दी से गलना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर वाला भी। तो थोड़ा सा हमने चला दिया है, ऊपर से भी अच्छे से गलने लगेगा, अब इसे हम ढक देते हैं। तो प्याज के छिलके हम उतार लेते हैं, तो अभी छिलका उतार कर हम रख रहे हैं। तो पानी थोड़ा निकल रहा है साइड से, थोड़ा सा ढक्कन को हम एक साइड कर देते हैं। तो अब हम शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं, इसके बीज निकालेंगे। पानी डालकर अच्छे से हम धो लेते हैं। तो अब हम शिमला मिर्च को भी काटेंगे, थोड़ा सा लंबा इसे काट लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से काटेंगे। जिस तरीके से शिमला मिर्च हमने काटा हुआ है उसी तरीके से प्याज को भी काट लेंगे, देखिए इतना बड़ा ऐसे निकालेंगे। अच्छे से ये पक चुका है, चलिए आप लोग दिखाते हैं। तो अच्छे से पक चुका है, चलिए हम उतार देते हैं। तो अब हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई, इसे गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डाल देते हैं जीरा। तो जीरा डालने पर इसी तेज पत्ता डाल देते हैं और हल्का सा चिटकने देते हैं। इसमें प्याज मिर्चा अदरक लहसुन और टमाटर को हमने बारीक काट लिया हुआ, तो चलिए इसे हम डाल देते हैं इसमें। तो अच्छे से इसे हम गलाएंगे क्योंकि ये छोटे छोटे काटा हुआ है। तो हल्का सा गल चुका है तो इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर को डाल देते हैं और धनिया पाउडर। तो थोड़ा सा लाल मिर्चा भी डाल दिया हुआ है, अब थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, इसे गल रहा, हल्का सा इसे हम नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालकर इसे हम गलाएंगे, तो जितना अच्छा गला रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो मसाला अच्छे से पक चुका है, देखिए तेल निकल रहा है ऊपर। तो अब देखिए जो हमने काटा हुआ है इसे हम डाल देते हैं, तो ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। तो हल्का सा हम डाल देंगे पानी, जो है मसाला जो है अच्छे से मिल जाए, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा मसाला हो गया है और अच्छे से इसे हम मिलाएंगे। अच्छे से मिला दिया हुआ है, इसे अब ढक देंगे हम और इसे गलाएंगे नहीं, हल्का सा नरम करेंगे तो एक मिनट के लिए हम ढकेंगे। तो आज को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। और ललिता दीदी ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि
और बहुत ही बढ़िया लिट्टी चोखा है। क्या हम कोयले के आग में बना सकते हैं? तो बना बहुत अच्छे से बन जाएगा दीदी, बना लीजिएगा आप। हम लोग तो ऊपर ही पे बनाते हैं। तो एक मिनट तक हो गया है, देखिए हल्का सा हमने गला लिया है, और ज़्यादा गलाएंगे नहीं दोस्तों, ऐसे रहेगा तो बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। और चलिए हम इसे हम अब डालेंगे। तो अब हम लौकी को डालेंगे। तो आप लोग अगर इसे अच्छे से मलना चाहते हो मल सकते हैं अच्छे से। अब मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ, पड़ जाएगा अच्छे से। देखिए हल्का सा हमने पानी डाला हुआ था और पानी पूरा जो है ख़त्म हो गया है, ज़्यादा पानी नहीं डाला हुआ था उबलते समय। लौकी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला देंगे। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ढककर कुछ टाइम तक पकाएंगे। ढक्कन हटाकर चला देते हैं। दो तीन बार हमने चलाया हुआ है, चला चला कर अच्छे से मैंने पानी को सुखवा लिया है। देखिए शिमला मिर्च और ये देखिए प्याज और टमाटर सब दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा इसे हम और भून लेंगे। चलिए अब खाना हमारा बनकर तैयार हो गया, तो अब खाने को परोसेंगे। और चावल और रोटी हमने परोस लिया हुआ है। तो कुंदन कुमार ने दोस्तों कमेंट किया है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो थैंक यू भैया, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। चलिए हम खाने को परोसेंगे। तो चलिए हम सब्जी को परोस लेते हैं। इसके साथ दोस्तों पूड़ी भी बना सकते हैं और पराठा भी बहुत ही अच्छा इसके सब्जी के साथ लगेगा। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। ज़्यादा मसाला भी हमने नहीं डाला हुआ है। लौकी का सब्जी दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा बना हुआ है। उसमें हमने बहुत ही शिमला मिर्च टमाटर प्याज थोड़ा सा बड़ा बड़ा डाला है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। उसके साथ चावल और रोटी को परोसा है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक लगते हैं, इसके लिए आप लोग ढेर सारा धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।